सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में हुई आतंकी घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेंगे। साथ ही नवरात्रि के नवमी के दिन वो कन्या पूजन भी करेंगे। बता दें कि 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। इसके अलावा सांसद, राज्यसभा सांसद और नगर निगम के मेयर और पार्षद भी नगर निगम बूथ पर मतदान करेंगे। तो गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पहुंचने की खबर आई और उसके बाद से उनके 2 दिन के कार्यक्रम भी निर्धारित हैं, और जहां पे कल वो एमएलसी चुनाव में मतदान करेंगे। पूरे दिन का काम उनका तय है कि कौन कौन से कार्यक्रम में उनको भाग लेना है और कौन कौन सी बैठकें करनी है, चर्चा करनी है। उसके अलावा तीसरे दिन यानी कि परसों वो नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। साथ ही शाम में भजन का आयोजन किया गया है, भजन कार्यक्रम का, उसमें भी शिरकत करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे। तो कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और सबसे बड़ा काम जिसके लिए वो जा रहे गोरखपुर, वो है गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और चाक चौबंद कर दी गई है, उसको देखते हुए ही अब आगे की तैयारियों को देखने और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जा रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और सीएम कल मतदान भी करेंगे। गोरखपुर नगर निगम बूथ पर मतदान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ कल। सीएम योगी 3 दिन के दौरे पर हैं और साथ ही साथ उनके कई कार्यक्रम भी निर्धारित हैं। आपको बता दें कि नवमी के दिन जिस तरह से वो हर बार पूजा करते हैं, नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं, फिर नवमी के दिन वो कन्या पूजन करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में भव्य तरीके से पूजा अर्चना करी जाती है, उसके बाद कन्याओं को भोग कराया जाता है उनका पूजन करके। तो पूरी विधि विधान के साथ कन्या पूजन करते हैं हर बार नवरात्र के नवी के दिन, वो 9 दिन का उपवास रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब 3 दिवसीय दौरे पर इसलिए हैं क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से हमला हुआ सुरक्षा कर्मियों पर, उसको लेके भी चर्चाएं तेज हैं। लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है क्योंकि मंदिर के बाहर हमला, और वो भी सुरक्षा कर्मियों पर जो कि जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उन पर हमला किया गया है। इसके बाद से ही लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सजा मिले। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर? 3 दिवसीय दौरे पर है, 3 दिन तक उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, आज 3 बजे योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था गोरखपुर, और इसके बाद उनको सीधे भाटहट के पिपरी ब्लॉक में जाना था, जहाँ जा करके उनको योगी आदित्यनाथ को गुरु गोरखनाथ आयुष चिकित्सालय का जो है उसका कार्य का जायजा लेना था। इसके बाद एक समीक्षा बैठक करनी थी, जिसके लिए वो फिर फर्टिलाइजर में आते और वहाँ एक स्कूल में वो जायजा लेते, और इसके बाद ही उनको फिर वहाँ से निकल जाना था और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर भी पहुँचना था। गोरखनाथ मंदिर पहुँचने के बाद योगी आदित्यनाथ फिर कल का जो प्रोग्राम था उसमें वो सुबह उठ करके भगवती पूजा करते, और ऐसे में हम बता दें भगवती पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते, उनके पैर छूते और पैरों को धोते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये हर साल का रहता है कि वो चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत नवरात्र हो, इसमें कन्या पूजन जरूर करते हैं। इसके बाद जनता दरबार लगानी थी, जनता दर्शन का एक कार्यक्रम था, फिर योगी आदित्यनाथ को एक समीक्षा बैठक करनी थी, इसमें सभी पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसका जायजा लेने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, तो वहां पे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरह से बदलाव हुआ है सुरक्षा व्यवस्था में? जी, इस बार सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, पूरी तरह से सख्त कर दी गई है, और इसको 3 लेयर में एकदम बांट दिया गया है। पहले लेयर में घुसते ही सबसे पहले बुलेट प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी, जहां पे पूरी तरह से उसको सुरक्षित करने के लिए एकदम कार्बन बना दिया गया है, अत्यधिक आधुनिक जो है हथियार दे दिए गए हैं, साथ में स्कैनर दे दिया गया है। डिजिटल मशीन से होकर के जाना पड़ेगा लोगों को, उनके सामान की चेकिंग होगी, उनकी गाड़ियों की चेकिंग होगी, इसके बाद अंदर जाने पर उनको स्कैनिंग मशीन से होकर के गुजरना पड़ेगा मंदिर परिसर तक जाने के लिए। जी, अगर बात करी जाए कन्या पूजन की, नवरात्र की, तो उसको देखते हुए मंदिर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो वो क्या मंदिर में ही पूजा अर्चना करेंगे और कन्या पूजन करेंगे, क्या कुछ तैयारी है? जी,
बिल्कुल मंदिर में ही योगी आदित्यनाथ जो है कन्या पूजन करेंगे। इसके बाद जो है वो अपने समीक्षा बैठक में लग जाएंगे, जनता दरबार करेंगे और इसके साथ ही साथ शाम को एक भजन का कार्यक्रम है, माँ जगदम्बा के भजन का कार्यक्रम है। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और योगी आदित्यनाथ मंदिर में ही भजन कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। जी, हिमांशु, कल एमएलसी का चुनाव भी है और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, तो उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, सुबह जो है जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद जो है जनता दरबार लगाएंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर करके सीधे पहुंचेंगे नगर निगम में, वहां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एमएलसी के चुनाव में वो अपनी वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनाव पर है। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 9 अप्रैल यानी कि कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसमें ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। तो 27 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा और इसका जो रिजल्ट आना है वो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि बीजेपी और सपा के बीच एक बार फिर विधानसभा चुनाव के जैसे ही एमएलसी चुनाव में भी दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जैसे कि कल 27 सीटों पर अब फैसला होना है और इसके बाद इसका निर्णय 12 तारीख को आएगा, तो वहीं कांटे की टक्कर बीजेपी और सपा के बीच ही देखने को मिल रही है, बाकी अन्य पार्टियों के द्वारा क्यों नहीं? देखिए, अन्य पार्टियों का वहां पर विधान परिषद होना भी जरूरी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं समाजवादी पार्टी पर 56 सीटों के साथ ही अब केवल 17 सीटें बची हैं और बीजेपी की अगर कहें विधान परिषद की 36 सीटें अभी हैं और बीजेपी चाहती है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर जो विधान परिषद में है वहाँ पर बहुमत प्राप्त किया जाए, यही बीजेपी की मंशा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 9 सीटें हैं उन पर माना जा रहा है कि जो 9 लोग हैं वो निर्भर रूप से तय हो जाएंगे, कोई उनके विरोधी नहीं है चूंकि सिंगल पर्चा वहाँ पर दाखिल किया गया है। और साथ ही साथ 27 सीटों पर महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है और बीजेपी की यहाँ मंशा केवल ये है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर विधान परिषद में अपना बहुमत प्राप्त किया जाए। जो भी फैसले होते हैं, जो भी अध्यादेश आते हैं, उनका विधान परिषद से पास होना जरूरी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की मंशा यहाँ पर ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और यहाँ पर विधान परिषद में भी बहुमत पाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एमएलसी चुनाव के लिए कल मतदान होना है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं और जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। यूपी टीईटी परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। बता दें कि प्राइमरी लेवल में 38% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि अपर प्राइमरी लेवल में 28% अभ्यर्थी पास हुए हैं। 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी। तो 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसका रिजल्ट आज घोषित हुआ है। 38% अभ्यर्थी पास हो गए हैं और अब आगे की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जिस तरह से ये काफी कठिन परीक्षा मानी जाती है और काफी लंबा इंतजार करना पड़ा रिजल्ट के लिए। इस खबर पे भी हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, लंबे इंतजार के बाद ये रिजल्ट सामने आया यूपी टीईटी का, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, बहुत अच्छी रिजल्ट है और निश्चित रूप से चूंकि अब जो मुख्यमंत्री योगी ने एजेंडा बनाया है शिक्षा को बढ़ाने का और साथ ही साथ अभी 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान भी शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से अब शिक्षकों को भर्ती करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपको शिक्षक का जो उनको कहना है कि हम 100 दिन के एजेंडे में हमने ये भी बनाया है कि हम 100% नामांकन करना है और छात्रों को बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के तहत ये एक आकलन रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है कि 100% आपको नामांकन कराना है स्कूलों में, तो साथ ही साथ आपको शिक्षक भी बनने पड़ेंगे। इसके लिए यूपी टीईटी की परीक्षा का जो परिणाम है बहुत सही समय पर आया है। मैं आपको बता दूँ कि परिणाम की अगर बात करें तो प्राथमिक स्तर पर लगभग 38%
फीसदी लोग पास हुए हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 28% लोग पास हुए हैं। अगर मैं पंजीकरण की बात करूं तो लगभग 12,73,591 लोगों ने प्राथमिक स्तर पर जो पंजीकरण कराया था और लगभग 8,92,000 के लगभग 73,000 के लगभग जो है आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर पंजीकरण कराया था, पर केवल और केवल 10,83,000 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। तो परीक्षा कम लोगों ने दी थी, हालांकि पंजीकरण ज़्यादा हुआ था, 21 लाख के लगभग पंजीकरण यहाँ पर कराया गया था, पर यह परीक्षा कम लोगों ने दी थी। और जो रिजल्ट आया वो भी चौंकाने वाला ही मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट हमेशा ज़्यादा आता है, बार केवल 38 और 28% रिजल्ट आया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो बेहतर जो पात्रता परीक्षा का बेहतर रिजल्ट है मुंशी से सामने आया। हालांकि कुछ लोगों को मायूसी जरूर होगी कि जिस तरह से अगर फीसदी रिजल्ट कम आता है तो कहीं ना कहीं निराशा होती है कि रिजल्ट कम आया है, पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर रिजल्ट कठिन भी आया, पेपर कठिन भी आया था, परीक्षा कठिन भी थी, तो योग्य अभ्यर्थी हैं जो वही पास हुए हैं और निश्चित रूप से शिक्षा को नई ऊंचाइयां यहां पर देते नजर आएंगी। जी, अगर बात करें जैसे सरकारी नौकरी की रोजगार की, तो लगातार लोगों की यह शिकायत रहती है कि पहले परीक्षाएं नहीं होती हैं, पेपर रद्द हो जाता है, और जब पेपर पास कर लो तो जो है वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती है तो उसमें भर्ती नहीं होती, तमाम तरह की समस्याएं होती है। रोजगार को लेकर काफी निराशा भी देखने को मिल रही थी लोगों के बीच, और अब जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है तो क्या इन लोगों की अब भर्ती कितनी जल्दी से जल्दी कराई जाएगी, जिस तरह से नई सरकार में जो एजेंडा रखा गया है रोजगार का, उसको पूरा करने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा? ये बिल्कुल सही बात आपने कही है, 40,000 भर्ती का लक्ष्य रखा है, जिसमें 10,000 केवल पुलिस की भर्तियां हैं। और मैं बता दूं, एक जो भर्ती में नया सा चलन सा शुरू हो गया है, पहले परीक्षा होती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा माध्यम होता है, कोई ना कोई कारण होता है, रोक लग जाती है, फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है, फिर ऐसे परीक्षाएं जो होती है इनका रिजल्ट होता है वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संघीय लोक सेवा आयोग है, साथ ही साथ UPPA UPPCS का जो आयोग है उसको भी ध्यान देना चाहिए, जो भी परीक्षा है, जो भी परीक्षा नियामक अधिकारी उसको भी ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से हमको परीक्षा करानी है, और एक अच्छे रिजल्ट के साथ उनकी जो भी अभ्यर्थी पास होते हैं उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति किए जाना, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि परीक्षाओं को रिजल्ट भी हो जाते हैं पर नियुक्तियां लगातार टलती जाती है। कई ऐसे मामले भी हमने देखे हैं जिसके अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पास भी हो चुके हैं, उसके बाद जो अब तक उनको नियुक्तियां नहीं दी गई। तो निश्चित रूप से यहाँ पर नियुक्तियों को जल्दी कराने में, भर्ती करने में यहाँ पर पहल करनी होगी सरकार को। UPTET की परीक्षा काफी चर्चा में भी रही है गौरव, तो अब अभ्यर्थियों के बीच कैसा माहौल है जब रिजल्ट सामने आ चुका है? नहीं, अभ्यर्थी निश्चित रूप से यहाँ पर खुश भी होंगे, क्योंकि जो पास हुए हैं उनके पीछे खुशी का माहौल होगा, और निश्चित रूप से जो पास नहीं हो पाए हैं, जिनका अंक नहीं आया उस लेवल से कि वो पास नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित रूप से उनको निराशा होगी, पर कहीं ना कहीं एक बार उम्मीद जरूर बन गई है कि अब चूंकि परीक्षा हो गई है, पास हो गए, तो निश्चित रूप से अब उनको बढ़ती उम्मीद है कि निश्चित रूप से सरकार स्वर्ग का एजेंडा बनाई है कि 40,000 नौकरी देंगे, इसके लगातार सरकार का एजेंडा है कि हम रोजगार को बढ़ाएंगे। उम्मीद की जा सकती है जल्द से जल्द जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो लोग हैं, अभ्यर्थी जो पास किए हैं, उनको जल्दी नियुक्ति देकर शिक्षा को और मजबूत किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पर UPTET का परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, लोग काफी खुश भी हैं इस रिजल्ट को देखने के बाद, क्योंकि जनवरी में इसकी परीक्षा हुई और आज जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है तो लोगों में एक खुशी का माहौल भी है, और 28% रिजल्ट भी गया है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भले ही लाख दावे और वादे किए जाते हों, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अंबेडकर नगर जिले के प्राथमिक विद्यालय इल्तफातगंज के मामला सामने आया है, जहां पर 8 सालों से जर्जर भवन में स्कूल के बच्चे पढ़ने को मजबूर है। बता दें कि समाज कल्याण से पैसा स्वीकृत होने के बावजूद जर्जर भवन को बनाया नहीं गया। जर्जर भवन की समय समय पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने मामले का संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप इस स्कूल की जो जर्जर हालत है, और बच्चे कैसे जमीन पर बैठे हुए, तमाम चीजें साफ देखने को मिल रही है, बदहाली दिखाई दे रही है स्कूल की, कोई भी अप्रिय घटना भी हो सकती है, और तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है। इल्तफातगंज का ये मामला सामने आ रहा है। तो अंबेडकर नगर के इल्तफातगंज से ये मामला सामने आया है, जहां पे स्कूल की जर्जर हालत देखने को मिल रही है। अंबेडकर नगर जिले के प्राथमिक विद्यालय इल्तफातगंज का ये मामला है, 8 सालों से जर्जर भवन में स्कूल के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। समाज कल्याण से पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी जर्जर भवन को बनाया नहीं गया है। जर्जर भवन की समय समय पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने मामले का संज्ञान लेना भी जरूरी नहीं समझा है, और अब यह मामला सामने आया है। क्या नाम है आपका?
प्रज्ञा वर्मा जी, ये जो जर्जर स्कूल है कहाँ कहाँ अभी तक शिकायत आपने किया? हमने अपने स्तर से जब भी जो भी खंड शिक्षा अधिकारी नए आए हैं सबको शिकायत किया, अभी जो नए आए हैं इनको भी हम देने वाले हैं शिकायत। लगभग कितने दिन उससे शिकायत देते चले? 2013 में यहाँ पर नियुक्त प्रधानाध्यापक के पद पर मैंने तब से लगातार शिकायत किया है हर वर्ष, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैं चाहती हूँ जर्जर भवन गिरा दिया जाए, किसी दिन हादसा भी हो सकता है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अम्बेडकर नगर से संवाददाता राहुल पांडे जुड़ चुके हैं। राहुल, काफी लंबे समय से इस स्कूल की हालत जर्जर है, उसके बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, और ऐसे में जिस तरह से कई बार शिकायत की गई उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, ये मामला लगभग 2013 से ही चला आ रहा है। 2013 से ही शिकायत किया जा रहा है, लेकिन कोई भी शिक्षा विभाग कोई भी आला अधिकारियों का नजरे इस पर नहीं पड़ रहे हैं, और शिक्षकों द्वारा लगातार इसका शिकायत किया जा रहा है। जी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों का इस स्कूल की हालत देखने के बाद क्या कहना है? अभिभावकों का कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल के कक्ष में जिस कक्ष में वो बैठते हैं वो काफी दयनीय स्थिति पे है, जर्जर स्थिति में, तो कहीं ना कहीं उनको डर सहमे से रहते हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो है दुरुस्तीकरण हो या फिर नया निर्माण हो। जी राहुल, समाज कल्याण से पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी भवन जर्जर ही है, उसको बनाया नहीं गया है, इस पे क्या कहेंगे? जी जो है जर्जर भवन को लेकर जब शिकायत किया गया तो समाज कल्याण विभाग द्वारा 54 लाख रुपए का लगभग स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन एक साल हो गया स्वीकृति प्रदान हुए, अभी तक अधिशासी अधिकारी इल्तफातगंज के जो अधिशासी अधिकारी है उमेश कुमार पासी द्वारा बताया गया कि एक साल हो गया लेकिन स्वीकृति हुआ है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, किन कारणों से नहीं आया यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की गई है, उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव भी था, वोट भी पड़े, सारी चीजें सारे आला अधिकारी औचक निरीक्षण करते हैं, तो औचक निरीक्षण में क्या उनको नहीं दिखा जर्जर भवन का हालत उनको नहीं दिखा? अगर चाहते तो पहले से ही सतर्क हो लेते। जी तो जो ये कमियां देखने को मिल रही हैं एक विद्यालय में, इससे शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ता है, और अगर बात करी जाए शिक्षकों की तो क्या वो अच्छे से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं? जी अगर बात की जाए शिक्षकों की तो अपने समय से ड्यूटी भी करते हैं, और यहाँ के अधिकारी भी मतलब समय समय पर खबरें चलती तो उसको संज्ञान में लेते हैं, हाल ही में खबर भी चली थी शिक्षकों को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों का अंदर भय है, अपने समय से स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाते हैं, अच्छी सुख सुविधा भी है, व्यवस्था भी। तो जो स्कूल की जर्जर हालत है इस पे शिक्षकों का क्या कहना है, उनका क्या मत है, क्या उनके द्वारा भी शिकायत करी गई है या नहीं? शिक्षकों की मांग है कि इसको मतलब कि शासन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द बनवाने का काम किया जाए, नहीं तो कह रहे हैं कि बरसात में तो और भी अधिक दिक्कत हो जाती क्योंकि पानी स्कूल परिसर में भर जाता है और जर्जर हालत में है, कब कोई अप्रिय घटना हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल पांडे जुड़े थे इस खबर पे। तो अम्बेडकर नगर से ये खबर सामने आ रही है जहाँ पे बदहाली में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जो स्कूल है वो काफी बदहाल स्थिति में है और आज से नहीं है कई सालों से है, और उसके बावजूद भी बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं, और कई बार ऐसा खतरा भी बना रहता है खासतौर से बारिश के मौसम में कि वहां पे कोई अप्रिय घटना हो सकती है, पानी की वजह से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि स्कूल के जो भवन है उसकी हालत कितनी खराब है, फिर भी वहां पे बच्चे पढ़ने को मजबूर है। शिक्षा व्यवस्था को लेके लाख दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो जमीनी हकीकत है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो अंबेडकर नगर जिले के प्राथमिक विद्यालय है इल्तफातगंज,
वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 8 सालों से इस जर्जर भवन में स्कूल के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। समाज कल्याण से पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी जर्जर भवन को बनाया नहीं गया है और जर्जर भवन की समय समय पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन इस मामले का संज्ञान लेना किसी ने भी जरूरी नहीं समझा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।